नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों का। ताजमहल के आसपास सफाई व्यवस्था ठप, टाइम पर तनख्वाह न मिलने पर कर्मचारी आक्रोशित, धरना देकर किया हड़ताल का ऐलान। भगवान श्री राम के नाम पर प्रसाद भारती बनाएंगी फिल्म, राम जन्म के समय सूर्य किरण रामलला पर पड़े। एसएसपी पर बाइक, देर रात परखी कावड़ मार्ग की सुरक्षा, मुजफ्फरनगर में उमड़ा कावड़ियों का सैलाब। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की मुश्किलें बढ़ी, 27 जुलाई तक कोर्ट में करना है पेश, पुलिस कर रही घेराबंदी। सपा विधायक आजम खां को एससी में मिली राहत, जौहर यूनिवर्सिटी की डी सील करने का दिया आदेश। बदायूं में आबकारी की दबिश में 100 लीटर कच्ची बरामद, 500 लीटर लहन को टीम ने मौके पर नष्ट किया, महिला समेत दो तस्कर गिरफ्तार। मैनपुरी में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने का मामला, तहसीलदार लेखपाल प्रधान सहित 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बागपत में एसपी ने परखी सुरक्षा व्यवस्था, कावड़ियों से वार्ता कर परेशानियों को जाना, बोले लापरवाही पर होगी कार्रवाई। बिजनौर में दौड़ लगा रहे युवक की मौत, सेना ने कुक पद पर हो गया था चयन, 16 अगस्त को थी ज्वाइनिंग, एक माह पहले तय थी शादी। जौनपुर में 750 परिषदीय विद्यालयों में होंगे स्मार्ट, 15 अगस्त के पहले इंस्टॉल होगी स्मार्ट टीवी, 218 न्याय पंचायत में बन रहे 3D डिस्कवरी लैब। मथुरा के 4 चौराहों पर लगेंगे हैंगिंग गार्डन, श्रद्धालुओं को फील गुड कराने के नगर निगम ने की पहल, 8 लाख हुए खर्च। टावरों को गिराने की बनेगी डॉक्यूमेंट्री, इसकी कॉपी एडिफिस नोएडा प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट में जमा की जाएगी। मैनपुरी में ऑपरेशन के दौरान विवाहिता की मौत, परिजनों का अस्पताल पर हंगामा, बोले डॉक्टर की लापरवाही से गई जान। महोबा में युवक की मौत, मृतक ने एक दिन पहले पड़ोसी के घर में मारा सांप, परिजनों ने नागिन के काटने का जताया शक। आजमगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत, धान की रोपाई करते समय हुआ हादसा, 6 लोग झुलसे। प्रेग्नेंट लेडी को 5 घंटे तक नहीं मिला इलाज, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में विभागों का चक्कर काटते रहा पति, लाइन में लगा रहा, हो गई मौत। पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, नहीं शिनाख्त हो सकी, हत्या की आशंका। महाराजगंज में आबादी में घुसा तेंदुआ, एक शख्स को हमला कर किया घायल, वन विभाग की टीम पकड़ने में रही नाकाम। कनपट्टी पर सटाकर मारी थी चचेरे भाई के 2 गोलियां, डीजे पर डांस के झगड़े की रंजिश में दोस्तों के साथ किया मर्डर। चित्रकूट में कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, बोले केंद्र सरकार ईडी के जरिए सोनिया गांधी को परेशान कर रही। सुधानगर में आपस में भिड़े पुलिसकर्मी, एक आरोपी को पकड़ने के लिए पहुंची 2 PRV वैन, गिरफ्तार करने के लिए हुआ विवाद। हाथरस में कार सवार बदमाशों ने पुलिस को रौंदा, दरोगा और हेड कांस्टेबल हुए घायल, बदमाशों को पकड़ने के दौरान हुआ हादसा। झांसी में नकली पुलिस ने व्यापारी से 2.5 लाख उड़ाए, सादा कपड़ों में खड़े बदमाशों ने चेकिंग के बहाने रोका, बैग में कैश लेकर फरार। एक रात की बारिश में शहर जलमग्न, बारिश से विकास भवन, जिला अस्पतालों से लेकर विभिन्न क्षेत्र जलमग्न, निरीक्षण पर निकले डीए। जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज, जिला पंचायत अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर किए थे बैठक। हाथरस में भीषण सड़क हादसा, गंगा जल लेकर जा रहे कांवड़ियों को ने डंपर से रौंदा, 7 की मौत, 1 घायल। फर्जी पुलिस बनकर दबिश देने वाले गैंग का खुलासा, मेरठ में नकली नोटों की सप्लाई करता था गिरोह, फिर खाकी पहनकर करता था छापेमारी। बिजनौर में कांवड़ियों की बाइक को ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी टक्कर, 3 घायल, 1 का हाथ कटकर गिरा, हालत नाजुक, रेफर जल लेने हरिद्वार जा रहे थे। बार के बाहर 2 लड़कियों और लड़कों में मारपीट, एक्स गर्लफ्रेंड के चक्कर में लड़के की पिटाई, बाल नोचे और गमलों से पीटा।
बिना रजिस्ट्रेशन के झोला छाप चल रहा था क्लिनिक, ऑपरेशन से महिला की हुई मौत, सीएमओ की जांच टीम ने किया खुलासा। अलीगढ़ में 26 जिलों से आए 108 102 एम्बुलेंस सेवा का प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ संपन्न, चालक कर्मचारियों को दिया गया परीक्षण। अमेठी में बेसिक शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार पाठक ने किया औचक निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान बीएसए के बाउंड्री वॉल बनाने का दिया निर्देश। गाजीपुर बीएसए ने प्राथमिक विद्यालय का किया निरीक्षण, एमडीएम के तहत भोजन का छात्रों के साथ लिया जायजा। अलीगढ़ में जलभराव की वजह से गांव में नहीं पहुंच रहे रिश्तेदार, जलभराव को लेकर गांव में मौजूद ग्रामीणों में आक्रोश। अंबेडकर नगर 7 वर्षों से जर्जर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने को मजबूर बच्चे, शिक्षा व्यवस्था की खुली पोल, बच्चों के जीवन से हो रहा है खिलवाड़। गाजीपुर में शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने नकल माफिया के 3.10 करोड़ की संपत्ति की कुर्क। गाजियाबाद में पति ने पत्नी को चाकू से वार कर उतारा मौत के घाट, घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुटी। गोरखपुर सीडीओ संजय मीणा के सरकारी आवास पर पढ़ी नमाज, आईएएस के गेट पर नमाज पढ़ रहा था शख्स, राहगीरों ने बनाया वीडियो। हरदोई में स्वास्थ्य मंत्री के गृह जनपद की दुर्दशा, मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड व एक्सरे के लिए घायलों को 11 जनपद के लगाने पड़ रहे चक्कर। अलीगढ़ में खंडहर हो रही पानी की चंकी, हादसे को दे रहा न्योता, शिकायत पर नहीं हुई कार्रवाई। कानपुर देहात में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने डीएम पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, कार्यालय का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। लखीमपुर खीरी सांसद रेखा वरुण वर्मा के द्वारा किया गया बूस्टर डोज का शुभारंभ, इस अवसर पर काफी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अलीगढ़ में ट्रिपल तलाक पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष की बयान, कहा शौहर कानून को धता बता दे और 3 तलाक। सोनभद्र में नगर पंचायत के द्वारा आरटीओ वाटर कूलर और हाई मास लाइट का किया गया उद्घाटन, मौके पर के सम्मानित निशा बबलू सिंह रहे मौजूद। कानपुर में दबंग युवक ने बीच चौराहे पर युवक को दौड़ा दौड़ाकर पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। गाजीपुर में दबंग ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पर वन विभाग ने ठोका तकरीबन 3 लाख का जुर्माना, गांव के सैकड़ों हरे पेड़ को काटने के आरोप पे ठोका जुर्माना। आगरा में युवक की गला काटकर की गई हत्या, दुश्मनी के चलते हत्या को दिया गया अंजाम, जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र में फैली सनसनी। अमेठी में बाइक सवार अनियंत्रित होकर नवनिर्मित पुल से टकराया, हादसे में महिला की मौत, पति गंभीर रूप से घायल। बांदा में 4 वर्षीय मासूम के साथ युवक ने किया दुष्कर्म, आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देवरिया में एम्बुलेंस चालक ने एमई पर लगाए गंभीर आरोप, फर्जी केस कराने का दबाव बना रहा था, ईएमई ऑडियो बनाकर किया वायरल। फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर में गलत इंजेक्शन देने से महिला की मौत, कंपाउंडर पर महंगे इंजेक्शन चुराने का लगा आरोप। गुंडा में दोहरे कांड की सीबीआई जांच की मांग, आरोपियों के पुत्र ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले की जांच कराने का किया मांग। कानपुर बीच सड़क पर नशेबाजों ने जमकर मचाए बवाल, दबंगों ने युवक को लात घूसो और चप्पलों से पीटा, बीच सड़क में आधे घंटे तक चलता रहा हंगामा। कुशीनगर में अवैध बालू खनन पर उपजिलाधिकारी ने मारा छापा, खनन माफियाओं में मचा हड़कंप, अवैध खनन में पकड़ी गई नाव को एसडीएम ने तोड़वाया। लखीमपुर खीरी में इंसानों के साथ साथ वन जीवन भी ले रहे बारिश का लुफ्त, बारिश का लुफ्त उठा रहे टाइगर, जोड़ों का वीडियो हो रहा वायरल। डीसीएम ब्रजेश पाठक ने द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मिलकर दी बधाई। रायबरेली में युवक का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिलने से सनसनी, सचिवालय के सामने पेड़ से लटकता मिला शव। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। रामपुर में महान दल के नेता केशव मौर्य ने आजम खान से की मुलाकात, आगामी राजनीति पर हुई चर्चा, अब्दुल्ला आजम भी रहे मौजूद। वाराणसी काशी विश्वनाथ अब नए आसन में करेंगे रात्रि विश्राम, 20 किलो चांदी से किया गया है तैयार।
ग्रेटर नोएडा में गर्ल्स पीजी कॉलेज के सामने दबंगों का स्टंट करते हुए वीडियो वायरल, छात्राओं ने की पुलिस से शिकायत। लखनऊ में कारोबारी से जेल के अंदर से मांगी गई 5 लाख की रंगदारी, डॉक पोस्ट के जरिए आरके ज्वेलर से मांगी गई रंगदारी। आगरा में महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव मौर्य आजम खां की तारीफ, कहा आजम खां को जौहर है, सपा में मेरी कोई दुश्मनी नहीं। कानपुर देहात में करंट की चपेट में आकर पिता पुत्र की मौत, भाई की हालत गंभीर, लोहे की रॉड में करंट उतरने से हुआ हादसा। आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत, 6 घायल, मऊरानीपुर में बारिश के बीच तेज गड़गड़ाहट के साथ झोपड़ी में गिरी। औरैया में घर, दुकान और स्कूल में चोरी, सोने चांदी के गहने समेत लाखों का सामान ले गए चोर, ग्रामीणों में आक्रोश। मेरठ में कावड़ यात्रा में माहौल खराब करने का प्रयास, दूसरे समुदाय के युवक ने कावड़ खंडित करने का किया प्रयास, गुस्साए कावड़ियों ने हाईवे पर लगाया जाम। बाराबंकी में घाघरा सरयू का बढ़ा जलस्तर, तराई के किसी परेशान, कई बीघा जमीन बर्बाद, लोगों के छप्पर व घरों तक घुसा पानी। चंदौली में डीएम संजीव सिंह ने किया औचक निरीक्षण, ब्लॉक और अस्पताल से गायब मिले 12 कर्मचारी, 1 दिन का वेतन रोकने का आदेश। खेत से निकला तोप का गोला, लोगों में कौतूहल, मुजफ्फरनगर के गोदना गांव में बरामद हुआ गोला, जांच में जुटे अधिकारी। बरेली हरिद्वार हाईवे पर डंपर ने ऑटो को मारी टक्कर, परीक्षा देने जा रहे छात्र और एक महिला की मौत, हादसे में 3 घायल। दबंगों के खौफ से गांव छोड़ने को मजबूर परिवार, लगातार मिल रही धमकियां, पीड़ित बोले न्याय न मिला तो गांव में रहकर क्या करेंगे। वाराणसी में गंगा में रेत का कटान, बीएचयू आईआईटी के प्रोफेसर चिंतित, बोले पिछले साल नहर के नए प्रयोग का परिणाम अब दिख रहा है। जलौन के कोच में डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक से उछलकर सड़क पर जा गिरी महिला की मौत, चालक घायल। लंचहर में एमएलए ने गली में भरा पानी बाल्टी से फेंका, विपक्षी बोले 15 से पालिका में भाजपा ही काबिज। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से 75 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।